हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद्दी हूं मैं। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर। So, I am a YouTube family. मेरा नाम है देवतन अग्रवाल। कैसे हैं आप सभी लोग? यार ये अभी है डैड सेक्शन की क्लास। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे करो जरा थोड़ा ना कैमरा साइड कर लो। कैमरा इधर लिया सर, कैमरा इधर लिया। ये है डैड सेक्शन की क्लास। यहीं पे रख दो, यहीं पे रख दो फिलहाल। ये है डैड सेक्शन की क्लास। ये है स्टूडेंट। स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको ऐसा बग की बात की थी, इसकी बात की थी और आपको ये आईसी भी दिखाई थी। एम डी सर थोड़ा डायग्राम पे नजर डलवाओ। डायग्राम पर ये एस्टा बग की बात बताई थी यहाँ पर एस्टा बग, यहाँ पर ये पैनल में दिखाओ ज्यादा अच्छा रहेगा सर। ये पैनल में दिखाओ, ठीक है? देखो जहां से बेस्ट दिखे, तो ये छोटा सा वीडियो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है। यहाँ से दिख रहा है बेस्ट, दिख रहा है बेस्ट, ठीक है। दीपक सर इधर आओ, एम डी सर उधर जाओ। दीपक सर मुझे बताओ इस आईसी पर अभी लोग कितने कंफ्यूज हैं मार्केट में इस आईसी को लेके? अभी सर ये इस आईसी पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं और काफी वीडियोस भी इंटरनेट पे देख रहे होंगे। वो ये देख रहे होंगे कि इस आईसी को बदल के दूसरा आईसी लगाना है, लेकिन सर ने एक ऐसा तरीका निकाल रखा है। अभी आपको सर बताएंगे कि कैसे आप इस आईसी को बाईपास कर सकते हैं। लोगों ने अपना आधा आधा दो दो तीन तीन घंटे से भी रजिस्टर निकाल के लगाने में लगाया है, समझ में आ रहा है? लोग बता रहे हैं कि एक रजिस्टर डिवाइडर सर्किट है, एक रजिस्टर निकलेगा तो ये वोल्टेज फ्लक्चुएट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? और ये वोल्टेज फ्लक्चुएट वो पूरा ये आईसी को ढूंढते हैं, वो रजिस्टर की वैल्यू निकालते हैं, वो रजिस्टर लगाते हैं, वो आईसी को बदलते हैं, फिर उसके बाद इसके कैपेसिटर लगाते हैं। कई लोगों को मैंने देखा कॉइल तक लगाते हैं। पर अब मैंने आपको एक सोल्यूशन दिया है जिसमें आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, पूरा बाईपास 101% आईसी नहीं होगी तो भी सेट हमारा क्या होगा? इसका प्रैक्टिकल यहाँ पे किस किस को मिला बताओ? देखो दिखाते हैं तो जनता को बताते हैं, चलो खोल के बताते हैं। तो ये क्लास आज हमारी डेट सेक्शन की है। तो ये देखो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन क्या है एस आईसी की बताओ, दूसरी ये 8 लेग की आईसी है और ये 2 डिवाइडर रजिस्टर के साथ लगा हुआ है। यहाँ पर दिखाया देखो ये आईसी निकाल दी है, क्या मारा हुआ बताओ? एक और 6 से जम्पर। अब आपको चार्जर लगा के दिखा है फोन ओवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बच्चा दिखाइए, शो कीजिए। ये देखो 2 से 6, 1 से 6। आपको 1 और 1 से 6 पे मारना जम्पर, किस पे मारना है? देखो सेट कैसा है। तो आ जाओ इधर वापस आ जाओ, आओ बाबा। तो आप फिर से बता दो, आपने गलती से 2 बोल दिया था, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे ऐसा ड्रॉ करके बता दो कहाँ से यहाँ से यहाँ पे जम्पर मारना है सर। अगर रिसेट चालू हो जाए और यहाँ से यहाँ पर भी मार सकते हैं, मार सकते हैं सर, कोई जरूरी नहीं है। नहीं है ना? और ये हमने डायरेक्ट बाईपास देखा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये छोटा 2 मिनट का वीडियो है, अभी तक का डेड सेक्शन किस किस को समझ में आया? कौन लोअर एलडीओ हायर एलडीओ चेक कर लेगा बोर्ड में विदाउट डायग्राम? yes, डायग्राम नहीं चाहिए। yes, अगर 5 कॉइल लगी है, 6 लगी है, 10 लगी है, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ और ये पूरे यकीन है कि बताऊंगा। yes, 5 कॉइल लगी है कि भाई लोअर एलडीओ कहाँ बनेगा, हाई एलडीओ कहाँ बनेगा, किस किस को नॉलेज है? yes, एक फोन ऑटो पोर्ट बना रहा है तो उसका सोल्यूशन किस किस के पास है? कोई डीसी मशीन में 15 पे स्टॉक हो गया है तो हम क्या करेंगे, किसके पास है? अब हमें बैटरी वाले, वोल्टेज वाले या वाले, अब हम ये नहीं है ना। हाँ अच्छा, मैं एक बार पहले देखना चाहता हूँ कि डेट सेक्शन सच बताओ कैसा लगा आपको? उम्मीद से बढ़कर। अब ये फोन लाइव भी बनाया, किसका था? रिपीट खड़े हो जाओ, बताओ क्या कंडीशन थी उसकी? सर डेट था, डैडी लेकर आए थे नोट 6 Pro। अच्छा नोट 6 प्रो की कंडीशन बताओ। सबसे पहले तुमने पूरी उसकी स्टेटस दी है, पढ़ के बताओ क्या क्या स्टेटस है उसका। सीपीयू बताओ, पावर बताओ, डीसी की रीडिंग बताओ, हमने क्या क्या चेक किया बताओ।
सर उसमें जब हमने पहले डीसी मशीन पे लगाया तो उसमें रेटिंग उसकी आई 12 तक, 12 स्टक स्टक हो गई। तो उसके बाद सर हमें उसकी जो मतलब पावर जो क्वाइल लगी थी उसको रीडिंग चेक की वहाँ पर 1.8 को उतारा, वहाँ के पॉइंट पे चेक के वहाँ पे भी ओके था। तो वहाँ पर हमें दो तरह के एलडीओ मिल जाते हैं, दोनों पे आ रही थी बुल्डे। फिर उसके हमने क्या किया, उसको हमने फ्लैश भी किया, फ्लैश भी किया, तो हमें क्या आया, एरर आ गया। तो यही चीज बताई गई है। फिर हमने उसको फिर किसमें चेक करना है, फिर UFI में क्या किया, तो उसमें भी वो रुक गया, रुक गया पिन पे। तो फिर क्या हुआ, मिलन सर आए हमारी इमरजेंसी प्रोग्रामर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आईसी उन्होंने बताया कि जी आईसी खराब है सैंडिक्स की, उन्होंने चेंज करके लगाई और फ्लैश की पूछूंगा पीएस होल्ड और ये सिस्टम ओके, ये सारी चीजें किस किस को क्लियर है बताइए, पक्का? ठीक है सर, थैंक यू। चलो देखो आप यहाँ पर देखो जल्दी जल्दी में कुछ फोनों को और आपको डायग्नोज कर रहा हूँ, उसको लिखने की नहीं है, सिर्फ देखो ताकि उसके बाद में हम आपको उसके लिए क्लास के लिए छोड़े। देखो ये है J7 का एक मॉडल है, यहाँ पर हम देखेंगे इसकी डीसी रीडिंग हम बाद में चेक कर सकते हैं, बट अभी मैं डायरेक्ट चेक कर रहा हूँ। मॉडल यहाँ पर सैमसंग का है, यहाँ मॉडल लिखा होगा, तो ये है J730, कौन सा है बताइए। हाँ सर, अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका सीपीओ निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीओ निकालने वाले हैं?